अगर ये दलित की बेटी नहीं है, देश की बेटी है, तो प्रधानमंत्री क्यों चुप है? क्यों महिला आयोग चुप है? बीजेपी की महिला नेत्रियां क्यों चुप है? सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सरकार के लोग जानवरों की तरह मुझे अलग करके पीड़ित परिवार को लेकर गए, और उसके बाद जो उन्होंने किया वो उससे भी भयानक है। मैं अगर वहाँ होता तो वो जो किया है उन्होंने, मानवता कलंकित किया है कि पीड़िता परिवार की असहमति के बावजूद उन्होंने पीड़िता के शव का दाह संस्कार किया, पेट्रोल डाल के हमारे परिवार ने फूल की तरह पाली थी उस बच्ची को, और उन्होंने कचरे की तरह जला दिया। ये इंसानियत नहीं, इंसानियत का कत्ल है। ऐसी सरकार को सत्ता में बनाने कोई अधिकार नहीं, और ये सब चीज़ें DMSSP के सहारे पर नहीं हो रही हैं, ये मुख्यमंत्री के सहारे पर हो रही है, क्योंकि DMSSP तो सरकार के कर्मचारी हैं, जो मुख्यमंत्री चाहते हैं वही तो होगा। तो ऐसे मुख्यमंत्री को जो बहनों का हत्यारा, उसको सत्ता बनाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रधानमंत्री पूछना चाहता हूँ, कब तक चुप्पी रहेंगे? क्या दलित की बेटी देश की बेटी नहीं है? क्या बहनों की भी जाती है? अगर बहनों की जाती है तो दलित अपने समाज की सुरक्षा स्वयं करेंगे। मैं मांग करता हूँ सफाई कर्मचारी भाइयों से कि वो अपना काम छोड़ दें, क्योंकि हम देश की गंदगी साफ करते हैं, लेकिन जो गंदगी सरकार के दिमाग में भरी हुई है उसको भी साफ करना पड़ेगा। ये साफ नहीं हुई तो कल किसी और बहन के साथ ही होगा। प्लान ऑफ एक्शन सरकार का या प्रोटेस्टर का? यूपी गवर्नमेंट को CBI जांच की ऑर्डर अब तक कर देने चाहिए थे, और इस मामले में जितने भी जिस अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने अपराधियों को बचाने का काम किया, अगर मुख्यमंत्री सही थे तो उन पे सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज करके, क्योंकि उन्होंने एविडेंस भी टेम्परिंग करने का काम किया, सबूत मिटाने का काम किया, उनको जेल भेज देना चाहिए था। लेकिन वो अधिकारी कर्मचारी पीड़ितों को धमका रहे हैं, पीड़ितों के परिवार को अब तक बंधक बनाया गया है। इससे पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, कुछ नहीं हुआ, पीड़ितों को पीटा जा रहा है, पीड़ितों का एक बच्चा निकल के कहता है कि वो हमें मार रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा और मामले को दिल्ली ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, तभी न्याय मिलेगा। इसके अलावा न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रोटेस्ट का रास्ता यही है कि प्रोटेस्टर इसलिए सड़क पर है क्योंकि न्याय मिले, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमें अपने आंदोलन को चलाना है। अगर पीड़ित परिवार को असुरक्षा की भावना खत्म नहीं की जाएगी और उनको जो है छोड़ा नहीं जाएगा, उनको अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं दी जाएगी, मीडिया को वहाँ जाने की आज़ादी नहीं दी जाएगी, तो हम लोग हाथरस कूच करेंगे। योगी सरकार अगर ये दलित की बेटी नहीं है, देश की बेटी है, तो प्रधानमंत्री क्यों चुप है? क्यों महिला आयोग चुप है? बीजेपी की महिला नेत्रियां क्यों चुप हैं? SC ST के वो सांसद जो सरकार के एजेंटगिरी कर रहे हैं वो चुप क्यों हैं? तो ये दलित की बेटी है इसलिए सब लोग चुप हैं, और हम न्याय चाहते हैं। कल किसी और बहन के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हम बेटियों को जातियों के नज़र में नहीं देखते हैं, हम अपराधियों को अपराधियों की नज़र से और बेटियों को सम्मान के नज़र देखते हैं, बहनों को। हम न्याय चाहते हैं और प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी।